सो द रेमिडी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इज रेनिनक्युलस बल्बोसस. ठीक है, इसका कॉमन नेम बटर कप है और ये रेनिनक्युलेसी फैमिली को बिलोंग करती है. ठीक है, ये ज्यादातर रेमिडी ऐसे लोगों को प्रिस्क्राइब की जाती है जिन्हें बैड इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस, मतलब पर्सन जो है ये जब भी किसी भी अल्कोहलिक ड्रिंक का इंटॉक्सिकेशन करता है तो उसकी वजह से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है. ठीक है, या फिर हम अगर किसी को बहुत सारी हिकअप, अचानक बहुत सारी हिचकियां आ रही हैं या फिर डेलिरियम की प्रॉब्लम है तो हम लोग इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, पर्सन को ऐसा फील होता है दिन में कि इसकी आंखों के सामने मिस्ट है और स्मार्टिंग जैसे जलन सी लगती है इसके आईबॉल्स में. ठीक है, मस्कुलर पेन्स अराउंड द मार्जिन ऑफ द शोल्डर ब्लेड्स इन वुमेन ऑफ सीडेंट्री एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो अगर कोई फीमेल है वो एक ही जगह रह रही है और उसकी वजह से बैठे बैठे उसको शोल्डर ब्लेड्स में पेन हो रहा है या फिर बर्निंग सेंसेशन हो रहा है तो हम लोग इस रेमेडी को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, अगर कोई शार्प वर्क कर रहा हो जैसे नीडल वर्क, टाइप राइटिंग, पियानो प्लेइंग, दिस वी आर स्टडीड इन एक्टिया रेसिमोसा एज वेल, सो इन सारी कंप्लेंट्स में भी हम इस रेमेडी के बारे में सोच सकते हैं. ठीक है, अब हम इसके पेन्स की बात करते हैं तो स्टिचेस, शार्प, शूटिंग, न्यूरालजिक, मायाल्जिक एंड रिमेटिक इन वॉल्स ऑफ चेस्ट. ठीक है, तो स्टिचेस, स्टिच लाइक, शार्प मतलब चुभने वाला दर्द, शूटिंग एज इफ समवन इज शूटिंग अराउंड द नर्व्स. ठीक है, मसल्स के अराउंड पेन होता है और चेस्ट में. ठीक है, वो पैरोक्सिम्स के साथ आता है और अगर कोई भी एटमोसफियर में चेंज हो रहा हो या फिर स्पाइनल इरिटेशन हो तो उसकी वजह से वो पेन बढ़ जाता है. ठीक है, ल्यूरिसी की अगर प्रॉब्लम है या फिर निमोनिया की प्रॉब्लम है और सडन एक्सपोजर हो जा रहा है कोल्ड का, मतलब ठंड में अचानक पर्सन कोई चला गया और उसको निमोनिया की प्रॉब्लम थी तो हम इसको प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, रेनिनक्युलस बल्बोसस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमिडी जिसकी स्किन एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछी जाती है. ठीक है, तो स्किन के इसके सिम्टम्स क्या हैं? कॉर्न, अगर ऐसे कॉर्न्स हो रहे हैं बॉडी सॉरी फुट में जो कि चलने पर बहुत ज्यादा बर्न कर रहे हैं. ठीक है, या फिर अगर रिब्स जो हैं इंटरकोस्टल रिमेटिज्म मिल रहा है जिसकी वजह से इसका जो चेस्ट है वो काफी ज्यादा पेनफुल है और ब्रूस्ड है और चलने फिरने से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जा रही है या बॉडी को टर्न करने की वजह से बहुत ज्यादा दर्द हो जा रहा है तो हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं. ठीक है, शिंगल्स प्रीसीडेड और फॉलोड बाय इंटरकोस्टल न्यूराल्जिया, अगर शिंगल्स लाइक इरप्शन आ रहे हैं जो कि ब्लूइश हैं इन अपियरेंस तो इन इरप्शंस के वजह से अगर किसी पर्सन में इंटरकोस्टल अराउंड द रिब्स न्यूराल्जिया अगर हो रहा है तो हम इस रेमिडी को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं. ठीक है, अब हम इसके रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो इन रेमिडीज से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. इम्पोर्टेंट क्या है कि ये रेमेडी इनकम्पैटिबल होती है किसके साथ? सल्फर के साथ एंड स्टाफिसाग्रिया के साथ. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट एग्रेवेशन, कॉन्टैक्ट मोशन और एटमोस्फेरिक चेंज से इसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है ज्यादातर वेट वेदर में. ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट रेनिनक्युलस बल्बोसस. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो स्किन के सिम्टम्स हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है, और इसके पेन से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट रेनिनक्युलस बल्बोसस. आई होप आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड.